नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के नागरिक हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए और 9 बजे से 11 बजे तक आज अपनी सेवाएं बंद रखेंगे, ओपीडी बंद रखेंगे, एमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगे। आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर हैं, सभी पीएससी वैसीएससी के डॉक्टर, जिले भर के डॉक्टर यहाँ पर सभी हड़ताल पर बैठ गए हैं और जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के उन्होंने हड़ताल की है। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सभी ओपीडी बंद रहेगी, जिसमें सभी डॉक्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं नागरिक हॉस्पिटल के परिसर में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद अब सभी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर काम छोड़ करके बैठ गए हैं। जो भी किसी प्रकार की ओपीडी आएगी उसको अटेंड आज नहीं किया जाएगा। 9 बजे से यहाँ पर ये बैठे हैं और 11 बजे तक सभी डॉक्टर जिले भर के यहाँ पर बैठे रहेंगे। 11 बजे के बाद ही जो सेवाएँ हैं वो शुरू की जाएंगी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो नागरिक हॉस्पिटल है करनाल का, उसमें सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। जो सरकार से उनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करवाने के लिए उन्होंने कई बार पहले भी धरना प्रदर्शन किया, परंतु आज फिर दोबारा से यहां पर बैठे हैं और अब यह हड़ताल 11 बजे तक जारी रहेगी। तब तक किसी भी मरीज की जो ओपीडी है अटेंड नहीं किया जाएगा, देखा नहीं जाएगा। फिलहाल डॉक्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैठे हैं और 11 बजे तक ये बैठे रहेंगे। वहीं जो कार्यकारिणी का भी गठन किया जा रहा है और हमारे साथ हैं डॉक्टर जो पीएम हैं, उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, आज हड़ताल किस लिए की गई, क्या मांग है? हमारे जो आज एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो बेसिकली 3 मुद्दों पर है। एक तो है हमारा जो डायरेक्ट भर्ती हो रही है एसएमओ की, उसको विरोध कर रही है हमारी एसोसिएशन, क्योंकि नए मतलब डायरेक्ट भर्ती होने से जो हमारे लाइन में खड़े हैं जिनको रेगुलर प्रमोशन मिलना चाहिए वो सारे पीछे रह जाएंगे। और दूसरा एक है हमारा पीजी पॉलिसी के रिगार्डिंग है कि जो पहले क्या था कि हमें कहा गया था सरकार की तरफ से कि 50% की जो है ना रिजर्वेशन रहेगी एसोसिएशन मतलब हमारी जो एचसीएमएस कैडर है उसकी, लेकिन किसी कारणवश पहले से सीटें कम हुई हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो पीजी पॉलिसी है वो रिवाइज की जाए। और हमारा जो तीसरा मुद्दा था जो पीजी पॉलिसी हो गया हमारा स्पेशलिस्ट कैडर के रिगार्डिंग है कि एक सेपरेट स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए। उसमें ये है कि जो हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनका एक कैडर अलग से हो जाएगा, ताकि जो है जो उनकी स्पेशल उनको जो इंसेंटिव मिलना है ताकि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे एचसीएमएस में, इसलिए जो है ना स्पेशलिस्ट कैडर की अलग से मांग की जा रही है। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या किसी उनकी अलग कैडर बनाने की मांग। हाँ, उनके अलग कैडर। तो ये हड़ताल कब से कब तक चलती रहेगी? आज तो हमारी सिर्फ 2 घंटे की पेंडल स्ट्राइक है। अगर हम तो यही आगे मान के चल रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर गौर करेगी और थोड़ा सा जो है उसके पॉजिटिव ही रिजल्ट आए ताकि हमें आगे स्ट्राइक पे ना जाना। 11 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी। बिल्कुल, एमरजेंसी बाकी सब कुछ चल रहा है, सिर्फ पेन डाउन स्ट्राइक है। हाँ जी, डॉक्टर नीलम जिन्होंने बताया कि आज जो उनकी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यह हड़ताल है और 11 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी और उसके बाद ही ओपीडी को शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो सभी डॉक्टर हैं यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और हड़ताल यह 11 बजे तक जारी रहेगी। हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टरों के, उनसे भी बात करेंगे। सर बना लो, मीडिया क्या कहें आज हड़ताल किस मामले? आज हमारी आज 2 घंटे की ये पेन डाउन स्ट्राइक जो है इसका पर्पज सिर्फ एक है कि हमारे कुछ मुद्दे जो सरकार के पास पेंडिंग है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा डायनेमिक एसीपी स्केल का है, जो 4th ACP का केस हमारा कई बार सरकार के पास जा चुका है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, हमेशा उस पर कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन लग जाता है। उसके अतिरिक्त हमारा एक स्पेशलिस्ट कैडर का भी प्रपोजल सरकार के पास गया हुआ है, जिसे हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा कैडर है उसने उसके ऊपर अपने सजेशंस दिए हुए हैं, ताकि हम सबको भी बेनिफिट हो और हमारी जितनी पब्लिक है इसको भी बेनिफिट हो, नए लोगों को ज्वाइन करने का उसके अंदर ज़्यादा इंसेंटिव मिले और जो पुराने लोग हैं उनका भी हक उनको मिलता रहे। तो ये हमारी जो स्पेशलिस्ट कैडर की पॉलिसी अभी सरकार के पास गई है, वो हम चाहते हैं कि जो हमने उसके अंदर सजेशंस दिए हैं स्टेट की तरफ से, सभी ने आपस में पूरी स्टेट ने डिस्कस करके उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उसके अतिरिक्त एक हमारी नए एसएमओस की 116 की डायरेक्ट भर्ती के बारे में हमारा विरोध है कि जब हमारे कैडर में
ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 18-18 साल की जॉब हो गई है और उनकी प्रमोशन ड्यू भी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार नए लोगों को SMO डायरेक्ट भर्ती ना करे, क्योंकि उसमें कैडर में ही हमारे आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। नए SMO के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट होती है कि 3 से 5 साल पोस्ट PG उसका एक्सपीरियंस हो, उसको कई बार फील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कोई ऊंचे पद पर बैठे, CMO के पद पर बैठे, अगर उसने ग्राउंड लेवल से काम किया होगा तो वो लोगों की समस्याएं भी समझेगा, डॉक्टर्स की भी समस्याओं को समझेगा और ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। और हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे ऑलरेडी कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जिनकी 18 साल की सर्विस हो चुकी है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये 116 पद की जो डायरेक्ट SMO की है उसको इमीडिएटली रद्द किया जाए और जो बैठे हैं 18 साल की नौकरी के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक हमारी मांग PG पॉलिसी से संबंधित है कि हमारे जो भी नए बच्चे आते हैं उनको आज की डेट में रूरल सर्विस करने के बाद 10%, 20% और 30% मार्क्स उनके जितने नंबर आते हैं PG टेस्ट में उसके हिसाब से मिलते हैं। इससे लगभग 5-7 साल पहले क्या था कि पूरा जितना हमारा रोहतक के अंदर जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स थी उसका 40% भाग जो था वो हमारे HCMS यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड रहता था। वो क्राइटेरिया पूरे करते थे, रूरल जॉब करते थे 4 साल की, उसके बाद उनका टेस्ट होता था, 50% लेते थे तो उन 40% सीट्स के लिए उनको एलिजिबल माना जाता था। हमें पता है कि अगर आज की डेट में कोई नया कैंडिडेट, जैसे कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो स्टेट में सर्व करेगा। हमारा जो कैंडिडेट है जो HCMS में 4 साल की नौकरी करता है और उसको PG दी जाती है, एक तो ये वो फील्ड से जुड़ा होता है, वो आगे भी सर्विस करेगा, दूसरा सरकार की तरफ से उसके लिए 10 साल का बॉन्ड मैंडेटरी होता है, 25 लाख का बॉन्ड मैंडेटरी होता है। तो इन बॉन्ड्स के साथ अगर वो PG करेगा तो उसका डेफिनेटली अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वो एडअप करेगा, प्रदेश की ही वो मदद करेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट PG करते हैं वो PG करने के बाद बाहर चले जाते हैं। इस 10-20-30% से हमारे कैडर में से कम लोगों को PG मिल रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका कम मिल रहा है और सबको पता है कि आज की डेट में स्पेशलिस्ट की बहुत भारी कमी है। इससे ना केवल जो कैडर में हैं वो लोग हमारे स्पेशलिस्ट बनेंगे, पर जो नए लोग MBBS हैं वो भी ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, जो सरकार का मेन मुद्दा है कि नए डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते। इंसेंटिव ये बहुत स्ट्रांग है PG का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, कि वो जो नया बच्चा आता है उसको पता हो कि 4 साल के बाद मुझे 40% रिजर्वेशन में आ जाऊँगा। और ऑब्वियसली जो हमारा 10-20-30 वाला है वो इसलिए भी इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हम एज मेडिकल ऑफिसर्स फील्ड में कम से कम 25 तरह के प्रोग्राम्स को हैंडल करते हैं, तो हमारे लिए जनरल कैंडिडेट जो खाली बैठ के पूरा साल पढ़ता है उसके साथ कंपीट करने का हमारे पास उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार को सेवाएं भी दें, लोगों को सेवाएं दें, पब्लिक से ज़मीन पर जुड़े रहें और फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका मिले, तो हम भी समझते हैं कि उन सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, उन स्पेशलिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज 9 से 11 बंद रहेगा, आज हमारा 9 से 11 पूरे स्टेट के अंदर ये बंद रहेगा, पेन डाउन स्ट्राइक की तरह। हमने आज कोई भी इमरजेंसी सर्विस, कोई भी हमारा पोस्टमार्टम, कोई भी इमरजेंसी MLR नहीं रोका, डिलीवरीज को नहीं रोका, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं हम 100% प्रोवाइड कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पब्लिक को हमारे इस 2 घंटे की स्ट्राइक से काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है, बट हम केवल इतना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, हमारी जेन्युइन डिमांड्स जो बहुत सालों से लंबित है उनके ऊपर अपना रीजनेबल कंसिडरेशन देकर उनको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, ताकि नए डॉक्टर्स भी ज्वाइन करें, नए डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करें, जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनको भी पूरा अपना रिस्पेक्ट रिगार्ड ड्यूरिंग सर्विस मिलती रहे। तो ये थे डॉक्टर सुनील अब्रोल, जिन्होंने बताया कि आज उनकी 9 से 11 बजे तक हड़ताल है और किसी प्रकार की जो OPD है उसको नहीं चेक किया जाएगा। फिलहाल जो उनकी 3 मांगे हैं उन मांगों पर सरकार से उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी लागू करें, जो भी है स्पेशलाइजेशन का कैडर अलग से बनाया जाए और वहीं जो डॉक्टरों की और मांगे हैं उनको भी सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे। इन्हीं मांगों को लेकर के उन्होंने जो है आज हड़ताल की और 9 बजे से 11 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। मैं हूँ करनाल से KC आर्या, पंजाब KC TV।